हेलो अस्सलामुअलैकुम, दिस सामिर रनीफ। आप सब खैरियत होंगे और आपका बिजनेस ग्रो कर रहा होगा। पे यूनिट की वीडियो को हमने लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि आप उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपकी अगर मिस्टेक हो जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर हमने एक वीडियो क्रिएट की थी कि हमारे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट करने हैं पे यूनिट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेयूनियर बिजनेस की, जो आप LLC के लिए क्रिएट करते हैं या आपका बिजनेस US में रजिस्टर्ड है। तो हमने US के लिए, अगर आपका बिजनेस US में रजिस्टर्ड है तो हमने उसके लिए पेयूनियर अकाउंट क्रिएट किया था। हम यहाँ पे पर्सनल पेयूनियर अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है पर्सनल पे अकाउंट के पेयूनियर के अकाउंट के लिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे ग्रुप में अपनी पोस्ट ज़रूर शेयर करें कि हमें मालूम हो कि आपको पेयूनियर पर्सनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के उसे शेयर कर सकें। तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है पेयूनियर का, वो अप्रूव हो चुका है सक्सेसफुली और हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो आप उसके बाद अपना कार्ड कैसे ऑर्डर कर सकते हैं कि आप उसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आप उसे यूज कर पाए उनको पेमेंट करने के लिए। तो हम यहाँ पे आज इस वीडियो में इस चीज को समझने वाले हैं कि आप कैसे अपना कार्ड जो है पेयूनियर बिजनेस पेयूनियर अकाउंट से आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन में देखते हैं कि आप उसे कैसे अपना कार्ड जो है उसे ऑर्डर कर सकते हैं। और आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं कि हमारे जो ईमेल रिसीव हुई थी कि आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका है। जो हमने यहाँ पे एक चीज़ को अच्छे से समझिएगा कि जो मिस्टेक हमने डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पे की थी, उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा था कि आपके डॉक्यूमेंट्स ब्लर हैं, UBO एक सर्टिफिकेट होता है वो आपने अपलोड नहीं किया तो वो अपलोड करें। तो मैंने उसका जो टेम्पलेट था वो आपसे कहा था कि अगर आपके कमेंट्स आएंगे, रिक्वेस्ट जा रहे हैं तो वो हम अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो अगर आपको भी इसकी ज़रूरत है और अगर आपको वो दोबारा वीडियो देखने तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें जो ई मेल रिसीव हुई थी उसमें क्या था। योर एप्लीकेशन टू पेयूनियर इज अप्रूव्ड, कि आपका पेयूनियर का अकाउंट जो है अप्रूव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं अपने अकाउंट के अंदर, तो हमें यहाँ पे हमारे USD की डिटेल, यूरो की डिटेल और GBP की डिटेल। मुझे यहाँ पे USD डिटेल्स मिली है जिसमें मैं अपनी पेमेंट्स जो है वो रिसीव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे वॉइस पेमेंट, मैंने जो अपना आपको अकाउंट क्रिएट करते वक्त बनाया था तो वो मैंने बैंक अकाउंट यहाँ पे अपडेट किया है कि मैं जो भी पेमेंट हो वॉइस में ट्रांसफर इजी कर पाऊँ। तो अगर आप यहाँ पे दूसरा बैंक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोबारा यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो ऐड न्यू अकाउंट के बटन पे क्लिक करके ऐड करना होगा और यहाँ पे आपने सेलेक्ट बैलेंस जो भी आपका होगा जिसमें पेमेंट होगी उससे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप उसे विड्रॉ कर लेना। तो ये तो होगा विड्रॉ का प्रोसेस कि आप उसे कैसे करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे विड्रॉ टू बैंक होगा और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बैंक एंड कार्ड्स में जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉ होगा और रिसीविंग अकाउंट्स में आपको मिलेगी आपके बैंक की डिटेल जो पेयूनियर आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे UK की डिटेल आपको मिल रही है, UK में आपको व्यू डिटेल्स के ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना और यहाँ पे आपके बैंक डिटेल्स आ जाएंगे। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे US में जाते हो तो US की बैंक डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। अगर आप दूसरी करेंसी को ऐड करना चाहते हो तो रिक्वेस्ट अकाउंट के बटन के ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो भी आपके पास होगा नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपने GBP करना है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करना है या आपने यूरो करना है या सिंगापुर का करना है या UAE का करना है तो आप यहां से अपनी करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहां पे बैक जाता हूं, इजी प्रोसेस है, जस्ट आपको ऐड करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मेन प्रोसेस के ऊपर, बैंक एंड कार्ड्स के ऊपर क्लिक करें। पेयूनियर कार्ड्स जो आपको जरूरत है, अगर आप FBA होलसेल बिजनेस करें या आप Amazon का ऑनलाइन कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और आप परचेज कर रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड से जो US बेस्ड एक कंपनी है, तो US में आपके जो कार्ड्स हैं पाकिस्तानी जो कार्ड्स हैं वो नहीं चलते, तो आपके वहाँ पे ऑर्डर रिप्लेस नहीं हो पाएगा, आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आप उसे सेल करके उसे सेल नहीं कर सके। तो यहाँ पे आप अगर पेयूनियर का कार्ड ले लेते हैं तो ये आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप पेयूनियर का कार्ड लें, लेकिन यहाँ पे एक पेयूनियर की एक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि
आपको पेवनीर के अंदर $100 डिपॉजिट करना होगा, मतलब किसी बिजनेस से आपको अगर $100 रिसीव हो जाता है आपके अकाउंट के अंदर, तो आप इजी अपने कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। तो द पेवनीर कार्ड द ग्रेट वे टू एक्सटेंड स्पेंड योर अर्निंग, यू विल बी एबल टू ऑर्डर अ पेवनीर कार्ड वंस यू आर रिसीव पेमेंट of at least $100. तो इक्विवेलेंट अगर हो तो तब भी पॉसिबल है। तो इसका जो बेस्ट वे है, जो ऑप्शंस है, वो आपके पास रहते हैं। अगर आपके कोलीग्स में या फ्रेंड्स में किसी के पास ऑलरेडी पेनियर का अकाउंट है, या आपके किसी क्लाइंट ने जिसका आपको पेमेंट करनी है, तो वो आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो है वो अपना जो पाकिस्तान सॉरी जो आपके क्लाइंट्स हैं जो यूएस बेस्ड हैं और आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो आप अपने यूएस बेस्ड क्लाइंट्स को अपनी रिसीव बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करें, या जीबीपी में अगर वो इंग्लैंड में जीबीपी में, और या अगर आपके रिलेटिव्स रहते हैं तो आप अपने रिसीविंग बैंक डिटेल्स उनको प्रोवाइड कर दें कि वो आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। और इसमें चौथा भी आपके पास यह कि माइका गुरु फॉर्मेशंस के ग्रुप में जाएं, आप वहां पे अपनी पोस्ट शेयर करेंगे अगर कोई, क्योंकि वहां पे ऐसे भी हैं ग्रुप्स में जो आपकी हेल्प करते हैं और उसके ऊपर वो अपनी परसेंटेज चार्ज करते हैं आपसे। मैं रेकमेंड इसको नहीं करता, लेकिन अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपके रिलेटिव या आपका क्लाइंट जो यूएस में, यूके में, या यूरोपियन किसी भी स्टेट में या UAE में अगर बेस्ड है, तो आप वहां से उनको कहें कि मेरे इस बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करवा दें। जब आपके पेनियर अकाउंट में इक्विवेलेंट जो है वो $100 आ जाएंगे, तो आपका अकाउंट अप्रूव है ऑलरेडी, और आपका जो रिक्वायरमेंट है कार्ड लेने की वो भी हो गई है, $100 रिसीव हो गया है, तो आप तब अपना कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है। आपका अकाउंट अप्रूव होने के बाद आपको $100 आपके अकाउंट में चाहिए। $100 इक्विवेलेंट हो UAE से ले सकते हैं, सिंगापुर से ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से ले सकते हैं, यूरोप से ले सकते हैं, यूके से ले सकते हैं, और यूएसडी में अमेरिका से ले सकते हैं। तो आपके पास ये चार ऑप्शंस रहते हैं। आप इनमें से थर्ड वाले को रेकमेंड करता हूं मैं पर्सनली, क्योंकि आप अपने किसी रिलेटिव से कह दें कि वो अपने क्लाइंट से कह दें कि वो आपके रिसीविंग अकाउंट में आपको पेनियर के अकाउंट में पेमेंट कर दे इक्विवेलेंट $100। दुबई से तो आप इजी करवा सकें, क्योंकि हर किसी का दुबई में कोई ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई जान पहचान वाला तो होता ही है, तो आप दुबई से करवा लें तो वो बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे पेनियर का अकाउंट आपका बन गया, कार्ड आपने ले लिया, अब आप अपने बिजनेस को बूस्ट करें, न्यू स्ट्रेटजीज क्रिएट करें, और ये वीडियो आपने के लिए हेल्पफुल रहेगी। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।